ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। बजाज फाइनेंस का क्वार्टर टू रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और देखते हैं अब आगे की क्या रणनीति है, मतलब कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस लाइन, वो सब देखते हैं इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर दिन हर रोज लाते रहते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम स्टार्ट करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो आप प्रमोटर के पास होल्डिंग देख लीजिए, 58.26% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। बाद में FIS की होल्डिंग देख लीजिए, 20.65% की होल्डिंग FIS के पास है। म्यूचुअल फंड के पास 7.12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। प्लेस प्रमोटर होल्डिंग का कोई चक्कर नहीं है, तो एक अच्छी बात है। अब हम बजाज फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप नेट सेल्स देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 8.97% की अपसाइड देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में आप नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें भी 26.02% की अपसाइड देखने को मिले, जो भी एक अच्छी बात है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लीजिए, जिसमें भी 0.54% की अपसाइड देखने को मिली, जो भी एक अच्छी बात है। अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली ईयर टू ईयर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप नेट सेल्स देख लीजिए, पिछले ईयर टू ईयर क्वार्टर से इस क्वार्टर में 48.34% की अपसाइड देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, जिसमें 63.11% की अपसाइड देखने को मिली, जो भी एक अच्छी बात है। एक पॉइंट मेरे को दिक्कत दे रहा है, जो है मतलब ईयर टू ईयर रिजल्ट में ये क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 1.05% की डाउन साइड देखने को मिली। देखो रिजल्ट तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, रिजल्ट अच्छा है, मतलब नेट सेल इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर थोड़ा डाउन साइड है, लेकिन उतनी भी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन सिंपल रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब देखते हैं चार्ट पे क्या चल रहा है, मतलब कहाँ हम एंटर हो सकते हैं, कहाँ हम एग्जिट हो सकते हैं, वो सब देखना पड़ेगा। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, तो वो सब देख के लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने ले लिया और थोड़े आगे इसका रेजिस्टेंस है, तो वो सब देखना पड़ेगा चार्ट पे क्या चल रहा है, बाद में हम एंटर होते हैं। अब हम आ चुके हैं बजाज फाइनेंस के चार्ट के ऊपर। तो चार्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि ये अपसाइड मूव में ही जा रहा है, मतलब आप देखते हो ये सपोर्ट लाइन है, इसमें सपोर्ट ले लेके ही अप जा रहा है। देखो इधर दो बार मतलब इससे स्टार्ट होता है, तो इधर से ये एक बार सपोर्ट लिया, बाद में ये पूरी तरह से नहीं आया, बाद में ऊपर गया नीचे आया, तो इसी लाइन के आसपास से सपोर्ट लिया। अभी ये हाल फिलहाल पिछली जब अप मूव आया था तो इसी लाइन के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो मतलब ये अपनी क्या है कि सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। अब ये बात हो गई लॉन्ग टर्म सपोर्ट की, अभी देखते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहाँ है। तो हॉरिजॉन्टल मेरे को अभी जो इसका लास्ट क्या है कि हाई दिख रहा है वही है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मैं मानता हूँ वो 3760 के बीच में है, कि इसके आसपास से फिर से क्या है कि नीचे आके अप जा सकता है, हो सके ऐसा कि ये लाइन के आसपास से अप चला जाए। और इसके नीचे देखता हूँ तो बाद में जो यहाँ से सपोर्ट लिए थे और आगे उसकी क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है और इधर इसकी सपोर्ट लाइन, तो ये जो मेजर सपोर्ट है वो क्या है कि 3000 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। मेरे को नहीं लगता कि ये यहाँ तक हाल फिलहाल अभी के टाइम पे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब रिजल्ट अच्छे आ रहे और ऑलरेडी ये अपट्रेंड में है, तो क्या है कि हाल फिलहाल 3000 को देखना हमें क्या है कि नहीं देख सकते। अभी जो मेरी रेजिस्टेंस लाइन है वो कहाँ है, देखो ये दो पॉइंट मिला के मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, तो अभी हाल फिलहाल ये अपनी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है, तो देखना पड़ेगा क्या है। देखो अभी रिजल्ट आए अच्छे, तो हो सकता है कि ये अप जाए। अगर ये अप जाता है तो मेरी पहली रेजिस्टेंस लाइन होगी ये जो 4470 के आसपास है, 4470 के आसपास जो लाइन है वो पहली रेजिस्टेंस लाइन होगी। दूसरी रेजिस्टेंस लाइन होगी 4732, मतलब ये दो मेरी आगे की रेजिस्टेंस लाइन है अगर ये अप जाता है तो। और देखो ऐसा नहीं होता कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो उसको ब्रेक कर दिया तो इसका कुछ काम नहीं है, आगे जाके ये सपोर्ट लाइन भी बन सकती है। इन सिंपल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये चलो इधर से ऊपर चले गए तो आगे जाके ये फिर से इस जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी ना उस पर सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ब्रेक कर दिया तो निकाल दे। बात नोटिस करोगे तो जो रिजल्ट आए उसके बाद क्या हो रहा है कि रेड कैंडल आ गई है, समझ गए। तो ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट अच्छा आया तो ये अप ही जाएगा, नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी रिजल्ट अच्छे हो फिर भी ये डाउन आ जाता है। और ये सब आपको देखना पड़ेगा कहाँ अच्छा क्या हो रहा है वो सब, ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट अच्छे देख के बिना कुछ ग्राफ देखे ले रहे हो, आपको देखना पड़ेगा रिजल्ट अच्छे आए तो ग्राफ क्या बिहेव कर रहा है, बाद में आप ले सकते हो। इन सिंपल अगर मैं इधर से देखूँ, अगर ये स्टॉक इधर से नीचे जाता है तो मेरी पहली रेजिस्टेंस लाइन होगी 3760, अगर ये उससे भी नीचे जाता है तो ये जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है अगर इसको कहीं सपोर्ट ले
तो ये मेरी होगी दूसरी सपोर्ट लाइन। बाद में होती है रेजिस्टेंस लाइन, तो रेजिस्टेंस लाइन मेरी पहली होगी 4470, दूसरी होगी 4732। तो ये दो मेरी रेजिस्टेंस लाइन है, आपको उसमें देखना पड़ेगा किस लेवल पे रिवर्सल हो रहा है, किस लेवल पे क्या हो रहा है, किस लेवल को ब्रेक कर रहा है, बाद में आपको रिएक्ट करना है। ऐसा नहीं होता कि ये पहली लाइन को टच किया तो मैं सेल कर दूँ, नहीं, आपको देखना पड़ता है उस लेवल पे क्या हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो बाद में आप सेल या बाय किसी भी लेवल पे कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो और आगे लेके आएंगे। सो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।